लोग निकले हैं घर से अपने देश प्रेम की भावना को लेकर निकले हुए हैं। आज उसी भावना को हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस आज़ादी को किस नज़र से देखते हैं। आपको बता दें 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी जो मिली थी किस कीमत पे मिली थी यह हर किसी को पता है। कई वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई थी जिसके बाद हमें जाकर के आज़ादी मिली थी, और इस आज़ादी को किस नज़रिए से आज की युवा पीढ़ी देखती है यह जानने का विषय है। कुछ लोगों से करेंगे चर्चा और जानेंगे उनके विचार। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दलपत सागर में, इसे आइलैंड भी कहा जाता है, काफ़ी लोकप्रिय जगह है, और यहाँ पर बजरंग दल के एक सदस्य हमारे साथ हैं, तुषार जी। तुषार जी जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को, बताएंगे कि जो आज़ादी हम लोगों को मिली हुई है इसके मायने आपके लिए क्या है और आप देश के लिए क्या करना चाहेंगे। ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है बहुत ही कठिन परिश्रम से हमको प्राप्त हुआ है। हमारे जो वीर संक्रांति थे भगत सिंह जी थे और महात्मा गांधी जी थे जो आंदोलन चलाए थे, इन सभी के बहुत ही परिश्रम से हमको आज़ादी मिली है। जी जी, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद, बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो तुषार जी, आपको आप जन्मदिन है बताया जरा, आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और जरा बताइए आप हमारे देश के लिए क्या करना चाहेंगे, ऐसा क्या करना चाहेंगे जो आप देश के काम आए। सर, हमको जो देश आज़ादी हुआ था उतना समय हमारे देशों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने विखंड हो गए हैं हमारे देश उन सब को एक साथ जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो तुषार जी का ये कहना है कि हमारा देश का जो बंटवारा हो गया था, लोग यहाँ के वहाँ चले गए थे, ये कई देशों को एक करने की बात करें, बहुत अच्छी विचार है ये। और कुछ लोगों से जानेंगे कि आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है आज़ादी को लेकर के। चलिए, तो कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनसे जानते हैं आखिर आज़ादी के बारे में इनका क्या ख्याल है, आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया, आपका शुभ नाम बताएंगे। चिराग पारक। पारक जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आज जो अमृत महोत्सव 75वां वर्षगांठ आज़ादी का बनाया जा रहा है, तो आप अमृत महोत्सव को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। घूमकर लोग मतलब जाके फ्लैग देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप ऐसा आपके अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि मैं आज जब निकले हैं आप घर से, 15 अगस्त का माहौल है, अंदर से एकदम देशभक्ति आ रहा होगा और कुछ तो विचार आ रहा होगा कि मैं देश के लिए ये करूं या फिर ये करना चाहूं मैं, मतलब कुछ तो सोचे होंगे। क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए। बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, इनकम टैक्स देना चाहता हूं। अच्छा, देश को आर्थिक रूप से जो है भैया हमारे मजबूत करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो है कारोबारी बनना चाहते हैं, देश में जो है इनकम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, यही बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। दलपत सागर में इस वक्त और भी कई लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी का महत्व इनके लिए क्या है और ये जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे। मिथिलेश देवांगन। देवांगन, तो देवांगन जी जरा बताएंगे, आज आज़ादी का 75वां वर्ष हो गया है हमको आज़ाद हुए और आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, 75 ईयर्स तो हो गए हैं, लेकिन ये हम 75 ईयर्स के बाद हमको हर डे सेलिब्रेट करना है, और ये तो आज एक दिन या दो दिन झंडे लेने से कुछ नहीं होगा। हमको देशभक्ति जो है ना डेली रखना चाहिए, हर दिन पे जब भी हम अपनी हर काम ईमानदारी से करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये करें, काम करें बस। बहुत बढ़िया देवांगन जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, तो युवा पीढ़ियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, प्रत्येक दिन देश के लिए जो मन में सम्मान होना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए।